बैक टू माई चैनल। और अभी मैं दिल्ली में हूँ, लेकिन मैं रेडी हूँ और मैं जा रही हूँ दिल्ली से अमृतसर। और अमृतसर मैं डेड हेडिंग करके जाऊँगी। डेड हेडिंग का मतलब होता है हम ऑफिशियल ड्यूटी पर होते हैं पर हम फ्लाइट ऑपरेट नहीं करेंगे। अमृतसर पहुँचूँगी आज और फिर कल मेरी अमृतसर से गैटविक के लिए फ़्लाइट होगी जो मैं ऑपरेट करूँगी। तो आज मेरा प्लान है अमृतसर घूमने का, थोड़ा एक्सप्लोर करने का। तो लेट्स सी आज का पूरा दिन कैसे जाता है। और बहुत दिनों बाद मैं ऐसे दिल्ली जहाँ पे मैं रह रही हूँ वहाँ से बना रही हूँ। एक्चुअली नया घर है, जहाँ पहले रह रही थी वो पीजी था काइंड ऑफ, और अभी ये प्रॉपर घर हमने रेंट करा है। तो बस देखते हैं आगे आगे कि कैसा जाता है पूरा दिन। अभी अमृतसर पहुंच चुकी हूँ एंड वी आर स्टेइंग एट ताज स्वर्ण। और यहाँ से एक्चुअली अभी 1:30 बज रहा है और बहुत धूप होती है, तो हमने सोचा हम थोड़ा सा शाम के टाइम पे निकलेंगे, गोल्डन आवर के टाइम पे। और जब निकलेंगे तो मैं रेडी होंगी और मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या पहना। और काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा मैं गोल्डन टेम्पल विजिट कर रही हूँ। बहुत टाइम से इच्छा थी, पर कहते हैं ना जब तक बुलावा नहीं होता तब तक आप नहीं जाते। कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऑल ऑफ अ सडन ऐसा लेओवर पैटर्न मिलेगा और मुझे जाने मिलेगा। एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट एंड ग्रेटफुल कि मुझे ये मौका मिला। और देखते हैं आज का पूरा दिन कैसे जाने वाला है, क्योंकि वी हैव प्लान कि हम अमृतसर गोल्डन टेम्पल जाएंगे, फिर जलियांवाला बाग जाएंगे और शॉपिंग करेंगे। तो देखते हैं ये सब मैं कर पाती हूँ या नहीं। मैं रेडी हो गई हूँ गाइस। मैंने ये लाइनर से बिंदी बना ली क्योंकि थोड़ा लुक अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं झुमके और हाथ में ब्रेसलेट या चूड़ियाँ कुछ भी नहीं लाई, तो मुझे थोड़ा इंडियन टच देना था। और सही लग रही हूँ, थोड़ा सा बाल फ्लैट लग रहा है बट ठीक है, इसको हम कर लेंगे जैसे तैसे मैनेज। और अब चलते हैं गोल्डन टेम्पल, मैं आपको अपना आउटफिट बताती हूँ। मैं ये कुर्ती पहन रही हूँ, ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था और इसमें का एक ब्लैक भी है मेरे पास, और जीन्स, और फिर नीचे मैं पहनूँगी जूतियाँ जो मैंने आगरा से ली थी।
पहुंच गए हैं उसके मेन गेट पे, गोल्डन हम पहुंच गए हैं गोल्डन टेम्पल के मेन गेट पे, और अब हम वॉकिंग वॉकिंग जाएंगे और पहुंचेंगे। और यहाँ हम बैठे लस्सी और पानी पूरी खाने के लिए, और बहुत ही टेस्टी पानी था इनका। मैं वैसे पानी पूरी की इतनी बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, पर यहाँ का पानी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। बिल्कुल सामने ही गोल्डन टेम्पल है, और अभी हमने थोड़ा बहुत कुछ खाया और उसके बाद अंदर जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी वाइब है इस जगह की, और बहुत ही प्यारे प्यारे लोग हैं, काफ़ी स्वीट और हॉस्पिटेबल है। चल चल के बस अभी जा रहे हैं अंदर, और मैंने कोई सूट नहीं लाया था तो बस कुर्ती पहना, तो स्पेस स्कार्फ ले लिया है। वापस जाते टाइम हम सूट खरीदेंगे। और इसने पूरा अटायर कैरी किया हुआ है, इसने मुझे बोला था सब ले लेना, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं, मेरे पास है ही नहीं सब। मैं मुंबई छोड़ के आ गई हूँ। पता तो बहुत सारा था मेरे पास, अब पता होता तो मैं बोल देती। तुमने बोला क्यों नहीं, मेरे को अच्छे वाले दुपट्टे चाहिए। अब अभी जाते वक्त ले लेंगे, ज्यादा नहीं होंगे इसके वीडियो में। दर्शन कर लिया, पूरा मार्केट हम घूम चुके। खाली मम्मी के लिए मैंने एक सूट लिया, बाकी सबने जिनको जिनको जो लेना था लिया। और अब हम बैठे हैं यहाँ पे खाने के लिए, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। और फिर हम बैठे ये छोटे से ढाबे पे खाना खाने के लिए, बहुत तेज़ी से भूख लग रही थी, दोपहर में भी कुछ खाया नहीं था।
और हमने मंगाया अमृतसरी कुलचे, आलू पराठे और जो बहुत ज़्यादा टेस्टी था इनकी वो रेड चटनी। मैं होटल आ गई हूँ और खाना खाया हमने और फिर लकीली मुझे एक सूट मिल गया जो मुझे ठीक ठीक लगा कि चलो ले सकते हैं, तो मैंने ले लिया है। और मैं आपको अभी बताती हूँ कि मैंने वो दो सूट कौन से लिए, एक मम्मी के लिए लिया और एक मेरे लिए लिया। ईशू मेरे इतना पहनती नहीं है सूट और उसको पसंद आता है तो वो मेरा ही उठा के पहन लेती है, तो नेक्स्ट टाइम वापस अगर ये ले हुआ लगता है तो हम ले लेंगे। ये वाला सूट मैंने मम्मी के लिए चूज़ किया विथ वाइट प्लाजो एंड वाइट नेट का दुपट्टा एंड दिस, और मेरा काफ़ी सिंपल ही है, मतलब मैंने बस एमी ले लिया है, मम्मी के लिए थोड़ा अच्छा लेना था मुझे तो। ये है मेरा और ये कलर से ठीक से नहीं दिख रहा होगा आपको वरना अच्छा ही है, ठीक है। ये ऐसा कलर है वाइट और पिंक एंड देन पिंक, तो ये मेरा है, ये मम्मा का है। अब हम कल यहाँ से निकल जाएंगे गैटविक के लिए और तो ये अमृतसर वाला व्लॉग होता है यहीं पे ख़त्म। काफ़ी अच्छा रहा दिन, मतलब गोल्डन टेम्पल जाने का मेरा बहुत टाइम से मन था और फाइनली अपॉर्चुनिटी मिली, वहाँ गई। पहले हमने सोचा कि जाएंगे दर्शन करके आ जाएंगे, बट देन दर्शन की लाइन के लिए ही कुछ हमें 1.5 घंटा लग गया और हमारा फर्स्ट टाइम था तो वी वॉन्टेड कि हम प्रॉपर अंदर तक जाएँ दर्शन करके मत्था टेक के उसके बाद ही रिटर्न जाएँ, तो उसी में टाइम लग गया तो हम जलियांवाला बाग नहीं जा पाए। हमने आसपास ही देखा और जूती मैंने नहीं ली क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 2 जूती है और जिस रेट में वो लोग दे रहे थे, क्योंकि वो टेंपल के क्लोज है तो वो लोग ज़्यादा एक्सपेंसिव दे रहे थे और वो मुझे सरोजनी से भी मिल जाता। हाँ, सूट जो है वो शायद नहीं मिलता है इसीलिए मैंने वो ले लिया। और बस यही था पूरा आज का दिन जो आपसे मैंने शेयर किया है, होप आप सबको पसंद आए और आप सब देख के भी स्माइल करें। आई मीन जो मैंने आँखों से विटनेस किया है वो शायद कैमरा इतना जस्टिस नहीं कर पाएगा, बट कोशिश की है कि आप लोग वो अच्छे से देख पाएँ और फील कर पाएँ। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि गुरुद्वारा हो, दरगाह हो, चर्च हो, मंदिर हो, ये सब अलग अलग ज़रूर होता है लेकिन जब आप अंदर जाते हैं ना तो वो भाव एक ही रहता है, वो इमोशन एक ही रहता है। आप जाते हो, उनसे हालचाल पूछते हो, उनसे कुछ मांगते हो तो आँखों में आंसू आए जाते हैं। मतलब मैं अभी भी जब मैं बोल भी रही हूँ तब भी मुझे इतना इमोशनल फील हो रहा है, खुशी वाले आंसू कि फाइनली मुझे दर्शन करने मिल गया। एनीवेज करते हैं ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारा प्यार दें।